1.5 लाख रुपए भैया मैं ये नहीं समझना, और बच्चा तो नहीं आता, एटलीस्ट ना वो बच्चे कमाता था, तुम्हें रोजी का अवसर जरूर बाबा भाई बाहर। बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेक्युलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चामराजपेट हलके के अरफात नगर में चौथी मंजिल से गिरकर हुई एक नौजवान की मौत। हलके के रुकन असम्बली बीजेड जमीर अहमद खान ने अपने सरफ खास से की अहले खाना की 1.5 लाख रुपए से माली इमदाद। ब्यूरो रिपोर्ट सेक्युलर टाइम्स बेंगलोर। हमारे चामराजपेट हलके के अंदर एक अरफात नगर एरिया करके एक ये अरफात नगर के अंदर कल एक हादसा हुआ है। कल चार बच्चे लोग खेलते खेलते इन्हें एक 18 साल का बच्चा 4वें फ्लोर से गिर के वो शहीद हो गया, इन्हें उसकी मौत हो गई। उसको बाद में विक्टोरिया हॉस्पिटल में लेके जाके उसको पोस्टमार्टम करा के उसको कल रात में ही मफून कर दिए। उनकी आज फैमिली को जाके मैं मिल के आया। अभी वो फैमिली के अंदर 4 मर्द बच्चे थे, एक भाई को बच्ची थी, अभी शादी लायक बच्ची है। शायद वो बच्ची की शादी फिक्स हुई थी, 1-6 महीने के बाद शादी फिक्स हुई थी। और ये बड़ा लड़का है, रोज़ 200-300-400 रुपये कमा के लाता है। बचत के छोटे 2-3 बच्चे थे, वो लोग अभी काम पे नहीं जा रहे, घर पे इन्हें पढ़ रहे वो लोग बच्चे। तो उनके वालिद जो है एक ऑटो चला रहे थे, अभी ऑटो भाड़े की ऑटो लेके कुछ 280 रुपये कुछ भाड़ा दे रहे थे। तो अभी उनको क्या किया, उनके गुजरान के लिए मैं मेरी तरफ से और अल्ताबी की तरफ से और लीडरों की तरफ से उनको 1.5 लाख रुपये में दिया। एक ऑटो खुद का आप खरीद लो, बच्चे को तो हम ला नहीं सकते, अल्लाह की मर्ज़ी, एक ना एक दिन हम सबको जाना है, हमारे को भी जाना है, उनको भी जाना है। अल्लाह का जब बुलावा अल्लाह का बुलावा जब आ जाएगा तो कोई रोक नहीं सकता। उसका रिस्क इतने दिन नहीं था, इन्हें हीला है, वो 4वें फ्लोर से गिर के मरा करके, तो बच्चे को तो नहीं ला सकते हम, वो पैसे की वैल्यू भी नहीं बन सकते बच्चे की। बहरहाल वो मजबूर होने की वजह से हमने उनको 1.5 लाख रुपये दे के, तुम्हारा खुद का ऑटो खरीद लो आप, क्यों आप 2,80 रुपये भाड़ा बन रहे हैं, प्लस आप 200-300 रुपये कमा लेते थे तो 500-600 रुपये आप कमा लेंगे खुद के ऑटो में करके, उनको 1.5 लाख रुपये दिया। और बच्ची की शादी के टाइम पे हम मदद करेंगे, जो भी है आप 1 महीना पहले इन्फॉर्म करो, उनको मदद करेंगे करके उनको वादा करके आया मैं।